आपको कुछ करना होगा डॉक्टर। तुम मेरे ऑफिस में कैसे आ गई? मेरी बेचारी उंगली, आउच, बहुत दर्द हो रहा होगा। मेरा सर, ये आवाज बंद करो। वो रुको, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। सीधी खड़ी रहो। प्लीज डॉक्टर, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये कैसा है? वो बिल्कुल नहीं जैसा हो गया आपने कल दिखाया। मुझे अपनी उंगली दिखाओ, बैंडेज काम आ सकती है। ये लो, ये गलत उंगली है। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। शुक्र है मेरे पास और भी है। इतना हिलना बंद करो। वाह शुक्रिया, मेरा सर दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। हाँ अब हो गया, मेरा काम पूरा हुआ। चलो अब निकलो। ठीक है, थैंक्स डॉक, फिर मिलेंगे। ओह क्या दिन था। डॉक्टर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ ओ नहीं, लेट जाओ, मैं तुम्हें एग्जामिन करती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है। कोई बात नहीं, मैं इसकी तह तक जाऊंगी। पक्का? हाँ बिल्कुल, मैं मेडिकल स्कूल से पढ़ कर आई हूँ। पहले तुम ये पी लो, बस इसका स्वाद अच्छा हो। पी लेती हूँ, बहुत अच्छे। अब देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। थोड़ा ठंडा लगेगा। ओह क्या ये फ्रीजर से निकला है? क्या है? अरे नहीं, विश्वास नहीं होता। क्या कुछ बुरा है? मुझे सच सच बताना डॉक्टर, मुझे ऑपरेट करना होगा। ये कोई मजाक है? क्या दर्द होगा? हो सकता है, हम शुरू करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जानती हूँ कैसे करना है। पहला इंसिजन करेंगे। तुम्हें खाना चबा कर खाना चाहिए। ये डोनट है। तुम्हें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। मैं सी फूड डाइट पर हूँ। अब वापस बंद कर देते हैं। मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, थैंक्स डॉक्टर। अरे कोई बात नहीं, पर एक और चीज करनी है। सैलेड खाना शुरू करो, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। रैबिट फूड? सच में? हाँ मैं ट्राई कर देखती हूँ। हाँ ठीक है, ये है तो बहुत बुरा। अब पता चलेगा मैं कब से इस पर काम कर रही थी। इससे साइंटिफिक वर्ल्ड बदल जाएगा। अभी तक तो सब ठीक है। थोड़ा सा ये वाला लिक्विड डालते हैं और फिर ये ठीक नहीं हुआ। वाह बहुत कूल है, मैं एक जीनियस हूँ। आउच मेरा बट, क्या सच में मुझे डॉक्टर की जरूरत है? ये इमरजेंसी है, मैं जल्दी से जल्दी आ गई। बहुत बुरा हाल है, मैं अपने नेल्स पर बैठ गई। तुमने ऐसा क्यों किया? ये बेवकूफ वाले काम है, गलती से हुआ है। ये नहीं चलेगा, मुझे मत देखो। ये काम कर सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ट्वीजर्स, वूहू। हाँ चलो शुरू करें, मुझे इसे निकालना होगा। हाँ मेरे ट्वीजर्स, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है, बस एक सेकंड दो, मैं मैग्नेट इस्तेमाल करूंगी, इन्हें निकाल लूंगी। रुको, नहीं रुक जाओ, ये बहुत जल्दी निकल आएंगे। ओह क्या ये काम किया? ये अभी भी मेरे बट में है। मुझे लगा था ये काम करेगा। आहा मैं समझ गई, आप क्या कर रहे हो। अब मुझे पछतावा हो रहा है, सब कंट्रोल में है, ये जरूर काम आएगा। एकदम आराम से ये निकल आया, ये बस आखिरी है, मैंने कल दिखाया। ये पेशेंट भी खुश हो गया। वाह ये तो काम किया, देख कर बैठा करो, मुझ पर भरोसा रखो। तो मैं कहाँ थी? मेरा एक्सपेरिमेंट। वाह मैं एक जबरदस्त साइंटिस्ट बन गई हूँ। आउच ओह डॉक्टर, ओह पेशेंट, मेरा पैर देखो डॉक्टर, बैठ जाओ। ओह आउची, देखते हैं ये है क्या। मुझे तुम्हें चेक करना होगा, हिलना मत। नहीं यहाँ नहीं, मेरे पैर पर। ठीक है, क्या कर रही हो? मैं दिखाती हूँ, कितना गंदा है, बदबू कितनी बुरी है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऐसा हमेशा क्यों होता है? ओह समझ गई, चलो उठ जाओ। ओह इसे मुझसे दूर रखो, ये बहुत बुरा है, मुझे जानवरों का डॉक्टर ही बनना चाहिए था। एक सेकंड रुको, मैं टॉयलेट पेपर इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ ये काम आएगा, चलो काम पर लग जाए। ये तुम्हारे पैर पर लपेट देंगे, थोड़ा जल्दी करना होगा, स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरे पैर पर, लो इतना काफी है। अब अपने पैर बेसन में रखो, इस पर थोड़ा सोप डालेंगे। और भी चाहिए? बहुत सारा,
इन्हें सोख करने देंगे। ये पैर बहुत ही गंदे हैं। अब इस पर पानी डालेंगे, अच्छे से कवर कर देंगे। छपक छपक, ये मजेदार है। और रुको, अपने पैर बाहर निकालो, ये बहुत मजेदार है। वाह, ये साफ हो गए। ये तो जादू है। इन्हें गंदा करने का सोचना भी मत। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये पहन लो, ये एकदम बढ़िया रहेंगे। ओह, मुझे पसंद आए। मैं जानती थी, कितने शीक है। मुझे तो इनसे प्यार हो गया, मैं मॉडल जैसी लग रही हूँ। फिर मिलेंगे डॉक्टर। अब मैं चलती हूँ। ये बहुत अजीब थी। देखते हैं मैं कौन सा चुनूं? ये वाला। बढ़िया, रुको, मुझे दूसरे रूम से कुछ चाहिए। क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैंने ब्लॉक पर पैर रख दिया, अब दर्द हो रहा है। ओह हनी, ब्लॉक पर चढ़ोगे तो दर्द तो होगा ही। इनके कोने कितने नुकीले होते हैं। इससे मुझे एक आइडिया आया। मुझे एक स्नीकर और ग्लू गन चाहिए, ये काफी है। अब बस इस पर ब्लॉक चिपका देंगे और ऐसे ही पूरे शू पर चिपका देंगे। थोड़े और फिर ये पूरा हो जाएगा। हाँ, आखिरी में ये पिंक वाला लगा देते हैं। ये लो हनी, मैंने तुम्हारे लिए ये खास शूज बनाए हैं। ब्लॉक शूज, ये सबसे अच्छे हैं। यही, मुझे ये पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया डैड। मेरा पर्स था हनी, अब तुम्हारे पैर सुरक्षित हैं। ओ, ओ, बहुत जोर से लगी। डैड, आप ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ हनी। ठीक है, अब मैं किचन में से स्नैक्स लेने जा रही हूँ। यहाँ तो सच में स्नैक्स हैं। यहाँ कैंडी और पॉपकॉर्न है, मुझे ये दोनों ही पसंद है। मैं कैंडी से शुरू करूँगी क्योंकि वो मीठी होती हैं। ये कैंडीज, मैं इन्हें ऑर्डर में लगाती हूँ। मैं कैंडी से रेनबो बना सकती हूँ, रेनबोज बहुत सुंदर होते हैं। ओह हे हनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैंडी से खेल रही हो? अच्छा, तुम तो बहुत तेज हो। मैंने रेनबो बनाया, सुंदर है ना? हाँ, बहुत ज्यादा सुंदर है। ओह पॉपकॉर्न, जरा मैं ये ले लूं। डैड, आपने मेरा रेनबो खराब कर दिया, अब पॉपकॉर्न फैल गए। ओह नहीं, माफ कर दो हनी, ये गलती से हुआ, मैं करना नहीं चाहता था। मैंने इससे अच्छा रेनबो कभी नहीं बनाया था। सुनो, मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं पॉपकॉर्न खा लेता हूँ। बहुत टेस्टी पॉपकॉर्न है। हे भगवान, हे भगवान, रोना बंद करो, यहाँ कुछ तो होगा जो मैं कर पाऊँ। हाँ, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न और कैंडीज भी। हाँ, मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा बैग खोलते हैं और इसके अंदर कैंडीज डालते हैं। इसे माइक्रोवेव में रखेंगे और पॉपिंग शुरू करेंगे। हनी प्लीज उदास मत हो, डैडी काम कर रहे हैं। ओह हो गया, पॉपकॉर्न बन चुके हैं। मैं इसे बोल में डाल देता हूँ। शानदार है हनी, जरा इसे देखो। हाँ, वाह, कितने सुंदर है पॉपकॉर्न के इतने सारे कलर। तो क्या सोच रही हो, इसे लेकर मूवी देखने चलें? ये पॉपकॉर्न के साथ मूवी, मजा आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, चलो चलो अब पॉपकॉर्न खाओ। ये अच्छे है ना, मजा आ गया। हाँ टेस्टी है। ये मूवी भी अच्छी है ना? हाँ, क्या स्पेशल इफेक्ट्स है, शाम बिताने का अच्छा तरीका है। हाँ, ओह लगता है कोई थका हुआ है, चलो इस पर ब्लैंकेट डाल देते हैं। अच्छे से सो जाओ हनी, बहुत प्यारी है। ओह लगता है मैं भी थक गया हूँ। खैर, ये शो बंद करते हैं और सोने चलते हैं। क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? हैप्पी बर्थडे, ये रही तुम्हारे लिए बर्थडे हैट। ये शुक्रिया, मुझे हैट पसंद आई। अब तुम बस यही रहो, मैं अभी आता हूँ। मैंने बर्थडे केक कहाँ रख दिया? अरे हाँ, फ्रिज में, मैंने सीक्रेट रखने के लिए इसमें रखा था। ये रहा, मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ ताकि थोड़ा ठीक हो जाए। ये लो, मेरी प्यारी बच्चे के लिए उसका बर्थडे केक। ये केक देखने में तो बहुत ही बढ़िया है। ओह हाँ, मुझे दोस्तों को भी इनवाइट करना होगा। हे, तुम बर्थडे पार्टी के लिए आना चाहोगे? हम केक खाएंगे और मस्ती करेंगे। मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझे बुलाया। सबको इनविटेशन दे दिया। ओ
नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, बर्थडे केक खराब हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैंने पूरा पोर्शन खराब कर दिया, अब मैं क्या करूँ। इसे ठीक करने का कोई तो रास्ता होगा, पर मैं खराब बर्थडे केक को कैसे ठीक करूँ, मैं कोई बेकर नहीं हूँ। एक सेकंड रुको, क्या इस बोल में कैंडी है? शायद मैं कुछ कर सकता हूँ अगर ध्यान से करूँ। बस ये खराब हुआ सेक्शन इस तरह काट देते हैं। हो गया, इस स्लाइस को यहाँ प्लेट पर रख देते हैं। अब इस पर कैंडी डालेंगे, उम्मीद है ये काम करे। इसे इस कटे हुए पोर्शन में लगाते जाएंगे, लगता है ये काम कर रहा है। लगाते जाते हैं, ये बढ़िया दिखना चाहिए। हाँ, ये तो सच में अच्छा दिख रहा है। कैंडी क्या नहीं कर सकती, पर हमें एक बर्थडे कैंडल चाहिए। हनी जी डैडी। हे भगवान, क्या ये मेरा बर्थडे केक है? वाह, इस पर तो कैंडी लगी है और ये पिंक है। ये मेरे सारे दोस्त आ गए, ये सब मेरा बर्थडे मनाने आए हैं। तुम्हें विश मांगती हूँ और ये कैंडल ब्लो करती हूँ, ये मेरा सबसे अच्छा बर्थडे है। विम विम, ये बोट हवा में उड़ रही है। ओह, बहुत सारा सामान है, काफी भारी है, जरा मैं इसे यहाँ काउंटर पर रख दूँ। सराई केक तो देखो, मुझे केक बहुत पसंद है, मैं ये केक खा जाऊंगा। रुको, अगर मैं एक स्लाइस काटूं तो? ये टमाटर बहुत ताजे हैं। हनी क्या तुम चाकू, तुम इस चाकू से क्या कर रहे हो? नहीं ये रख दो, तुम अपना हाथ काट लोगे। रुको, मैं तुम्हें बचाऊंगी। हाँ, ये आवाज कहाँ से आई है? ये मुझे दो, तुम्हें पता है ना चाकू इस्तेमाल नहीं करते। मुझे केक का पीस चाहिए और चाकू चाहिए। चाकू तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लो, मैं तुम्हें एक पेपर नाइफ बना कर देती हूँ, तुम्हें बस इस पेपर ब्लेड पर एक हैंडल लगाना है। लो हो गया हनी, ये चाकू तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिर्फ मेरे लिए है, अब इससे केक काट लेते हैं, मैं सबसे बड़ा स्लाइस काटूंगा। हाँ मैं जानती हूँ, अब तुम सेफ हो तो मैं अपना काम कर सकती हूँ। तो मैंने वो टमाटर कहाँ रखे थे? ये केक सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मुझे और चाहिए। अब मैं इसे अपने मुंह में ठूस लूंगा, बहुत बढ़िया। ओ मम्मी कैंडी भी लेकर आई है, मुझे कैंडी और चॉकलेट दोनों पसंद है। आखिरकार ये सामान का बैग खाली हुआ। एक सेकंड रुको, क्या वो अभी भी केक खा रहा है? तुमने पूरा केक खा लिया और चॉकलेट भी, तुम्हें कैंडी मिली कहाँ से? ये सच में ना हुआ हो? हाँ मम्मी बहुत अजीब है। विश्वास नहीं होता, वो ये सब खा गया, वो बहुत बड़ा केक था। नहीं पर मुझे ये चाहिए। नहीं तुम पहले से ही काफी खा चुके हो, अब बहुत बुरी हो, अब सबसे बुरी मम्मी हो। अब सब गड़बड़ हो गई है, पता नहीं वो चॉकलेट कैसे छिपा छिपा कर लाता है। इससे मुझे एक आइडिया आया, मैं ये सारी चॉकलेट्स इस बोल में डाल देती हूँ, माइक्रोवेव में इसे पिघला लेंगे, ज्यादा देर के लिए नहीं, बस इतना ही। लो हो गया, इसे ज्यादा नहीं पकाना, अब ये पिघल चुकी है, इसे मोल्ड में डाल लेंगे। ओह ये पिघली हुई चॉकलेट तो देखो, खुशबू कितनी अच्छी है। फिर लो हो गया, सारी चॉकलेट इस मोल्ड में है और सेट हो चुकी है, अब ये पिघली हुई नहीं है, जिसका मतलब हम चॉकलेट मोल्ड में से निकाल सकते हैं। अब इस ब्रोकली को काटेंगे, बस थोड़ा और काटना है फिर ये हो जाएगा। मॉम आप क्या कर रही हो, मुझे भूख लगी है, मुझे स्नैक चाहिए। ओह तो ये लो, तुम ये स्नैक खा सकते हो। हाँ ये क्या है, ब्रोकली गंदा है, नहीं बिल्कुल नहीं। कोई हैरानी की बात नहीं है, बच्चों को कच्ची ब्रोकली पसंद नहीं होती। शुक्र है मेरे पास ये नया कटिंग बोर्ड है, मैं जरा स्नैक खा लूं। स्वादिष्ट। मैं टीवी देखने वाला हूँ, क्या पता मेरी फेवरेट वीडियोस आ रही हूँ। हाँ ये कौन सा शो है, मैंने ये पहले नहीं देखा। वाह टैटूज, टैटूज बहुत कूल होते हैं। स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट है, वो सबसे अच्छा है, काश मैं भी स्पाइडरमैन बन सकता, मैं सबसे अच्छे वाला बनता। हे ये क्या है, और टैटूज, मुझे भी टैटू चाहिए, बहुत कूल होते हैं, मुझे भी कूल बनना है। फिर आज का काम पूरा हुआ। हे यहीं रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैं टैटू करवाने जा रहा हूँ। रुको, क्या बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये बच्चा भी ना क्या क्या सोचता है, ये काम आएगा। पता नहीं मेरे फेवरेट शो का एपिसोड आया भी है या नहीं। हाय मॉम। हाय हनी कैसे हो? हे भगवान,
ये तुमने क्या किया? पूरी बाजू पर ड्रॉ करवा लिया? ये टैटूज है मॉम, कूल है ना? बिल्कुल नहीं, हमें इन्हें साफ करना होगा। शुक्र है अभी तक परमानेंट मार्कर सूखा नहीं है। पर मॉम, वो मेरे टैटूज हैं, मैंने बनाए हैं। मेरे सारे टैटूज गायब हो गए, गलत बात है। माफ करना हनी, पर अभी तुम्हारी टैटूज की उम्र नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस ढक्कन से ये सर्कल्स मार्क कर लेते हैं। अब पेन से ये सर्कल्स को ट्रेस कर लेंगे। जब मन चाहे हम इसे धो सकते हैं। अब कलर बदल कर रेड ले लेते हैं। ये बहुत बढ़िया बन रहा है। मैं ब्लैक से रेड वाले डिजाइन को आउटलाइन करती हूँ ताकि और उभर कर आए। अब इसे और ब्लैक लाइंस बनाकर सुंदर सा बनाते हैं। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। पता है, हम थोड़ा ब्लू कलर भी ले सकते हैं। साइड्स पर नया पैटर्न बना लेंगे। बस दोनों तरफ एक जैसा दिखना चाहिए। अब इन लाइंस को भी फिल कर लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर बनाएंगे। ये हो गया, तुम्हें कैसा लगा? वाह, एक असली टैटू। हाँ, मैं सबसे कूल लग रहा हूँ। शुक्रिया मॉम। मॉम, मॉम। हाय, मैं आ रही हूँ। ओह, तुम ठीक तो हो? बहुत जोर से लगी मॉमी, देखो। ओह हनी, जरा रुको, मेरे पास कुछ है। तुम्हें बस थोड़ी कॉटन चाहिए, ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये लो। थैंक यू मॉम। मेरी बेबी के लिए कुछ भी। क्या ये कैंडी है? खुशबू तो चॉकलेट जैसी है, स्वाद भी वैसा ही है। ओह जैकपॉट, पूरा का पूरा बोल। ओह नहीं, क्या कोई आ रहा है? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, बस बहुत सारा फर्नीचर है। मिस्टर बेयर। ओह एनी, क्या कर रही हो? जरा देख कर चलो। मैं गई। सर बचाकर। ओह, आपने मुझे बचा लिया। ये तो बाल बाल बचेगी। मेरे पास एक आइडिया है। स्पॉन्जेस का सफाई के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि एक खुशी लैंडिंग। वाओ, कमाल है। तुम इसे टेस्ट क्यों नहीं करती? मुझे पता भी नहीं चल रहा। परफेक्ट। और क्या करें? वाओ, कूल। जल्दी करो हनी, हम लेट हो रहे हैं। मॉम, मुझे आपके साथ शॉपिंग करना बहुत पसंद है। हाँ डियर, चलो अब यहीं रहो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखनी है। एनी, ओह, तुम छिपने की कोशिश कर रही हो, तुम उसमें बिल्कुल अच्छी नहीं हो। अब चलो भी, मेरे साथ साथ ही रहना, यहीं खड़ी रहो। ठीक है मॉमी। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ तो ठीक है, वो कहाँ है? एनी, तुम क्या कर रही हो? एनी। ओह हाय मॉमी। चलो चलें। ओह, मैं नहीं जाना चाहती। बस हो ही गया है। ठीक है, बस थोड़ा और। सच में एनी, तुम अब क्या कर रही हो? तुम और ये दिल, इसका मैं कुछ करती हूँ। हमें एक सर्कल चाहिए। पहले इसके ऊपर अपना हाथ रखें, मार्कर से इसे ट्रेस करें, इसे बिल्कुल टिका कर रखें। बस हो ही गया, बढ़िया। अब इसके आसपास का एरिया पेंट करें। मैंने ब्राइट ऑरेंज चुना है, पर आप जो रंग चाहें चुन सकते हैं। यप, हो गया। इसे अपनी कार पर लगा लें। घबराए नहीं, ये परमानेंट नहीं है। लो, ये यहाँ लग गया। एनी, चलो चले हनी, यहाँ हाथ लग गया है। वाओ, कमाल है। ये मेरा खास हैंड स्टैम्प है। कूल है। इधर उधर मत जाना, ठीक है? अभी भी यही हो, बहुत अच्छे हनी। हे, यहाँ आओ किटी किटी, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, ठीक है? या मैं तुम्हारे पास ही आ जाती हूँ। वहाँ एनी क्या कर रही है? क्रिस को हग कर रही है। एनी, क्या कर रही हो? मॉम, तुम ठीक तो हो स्वीट हार्ट? मेरी उंगली पर चोट लग गई। ये देखो। रुक जाओ, मैं मदद करती हूँ। मेरे पास ग्लू है, इसे स्प्लेंटर की बेस पर लगा देते हैं। और जब ये सूख जाए तो इसे निकाल लेंगे। देखा, इससे तो दर्द भी नहीं हुआ। शुक्रिया। किटी कहाँ चला गया? वो यही पेड़ पर था। ओह, वो खुद ही आ गया।
मैं जानती थी ये कर सकता है। उम्मीद है लोग मेरे लेमोनेड स्टैंड पर आएंगे। ये फ्लावर्स काम करनी चाहिए। शानदार, इसे पूरे पार्क में लगा देते हैं। हे, यहाँ कैसा रहेगा? अरे वाह मॉम। हाँ, हे, ये क्या हुआ? और यहाँ, ये हो गया। ओह वाह मॉमी, देखो मेरा फेवरेट कलर। आह, खुशबू अच्छी है, मैं ये घर भी लेके जाना चाहती हूँ। वाह, हे देखो, वाह ये व्हाइट वाले तो देखो। मैं नहीं ले पा रही, मेरा ब्रेसलेट, ये तो पूरा फैल गया। क्या बकवास है मम्मी, मेरा फेवरेट ब्रेसलेट। क्या हुआ? मेरा फेवरेट ब्रेसलेट, अब बस इसके बीट्स ही बचे हैं। कोई बात नहीं, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। तुम्हारी रिस्ट पर टेप लगा देते हैं। अब अपना फेवरेट फ्लावर लो और इसे ब्रेसलेट पर लगा दो। वाओ बढ़िया, ये वाला सुंदर है और ये वाला भी। मम्मी देखो ये सुंदर है ना, ये सारे मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। बहुत अच्छे हनी। शुक्रिया, आप सबसे अच्छी हो। बीच के लिए पैकिंग हो ही चुकी है, ये भी रखने होंगे। और तुम्हारे फेवरेट चिप्स। बस हो ही गया। लो मेरी इनर ट्यूब अब तैयार है, मैं इन्हें भी ले जा सकती हूँ, तो चलो। हाँ हाँ ठीक है, लगता है इतना काफी है। ये भी ले चलते हैं। हाँ इन्हें यहाँ रख देती हूँ और इन्हें भी। पेपर होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है? ये मेरे बीच का सामान है। मैंने जरूरत का सारा सामान रख लिया है। ओ। चलो अब चलते हैं। पर मॉम, मेरा सामान का क्या होगा? एनी, ओह, मैं ठीक हूँ। तुम श्योर हो ना? ठीक है, रुको। मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। टॉवल ऐसे फैलाओ, अब इस तरह फोल्ड करो, अब दूसरी तरफ से, अब इस तरह। एक्स्ट्रा सामान यहाँ आ जाएगा, ये सब भी। हाँ अब इसे फोल्ड कर दो। जैसे आप कहो मॉम। हाँ घुमाते जाओ और यहाँ तक ले आओ। बढ़िया, अब इसे टक कर दिया। तदा, तुम इसे उठा सकती हो। ठीक है, चलो स्विम करने चलें। इससे प्यारी चीज तुमने पहले कभी देखी है? इसे ट्रीट मिलनी चाहिए। अपना मुंह खोलो, लगता है उसे ये पसंद आया। वो इसमें से गुजरता जा रहा है। वाह, अब बस एक ही चीज होगी। ये लो मेरे दोस्त, चलो अब डाइजेस्ट करते हैं। हाँ लगता है यही वो समय है। चलो आराम से कर लो मेरे दोस्त, लगता है हमें वो नजर आ रहा है। एयो, बहुत गंदा है पर कूल भी। हो गया, ये तो गीली मिट्टी जैसा लग रहा है। बहुत बुरा है। आ रही हूँ। हे हटो, तुम पहले नहीं पहुँच पाओगी, तो चलो। ये फर्श बहुत सख्त है, बस पहुँच ही गए। मेरे रास्ते में बेड नहीं आने वाला। हाँ बहुत स्मूथ है। इतना तेज मत जाओ, रुको। मैं आ गई। जो भी हो, मॉर्निंग हेयर रूटीन चेक। मेरे खूबसूरत बाल तो देखो, और पूरी बदबू अभी चली जाएगी। सब कुछ कर लेंगे। अगली बारी है बाथरूम कॉन्सर्ट की। ये पुट योर हैंड्स अप। ये अंदर कर क्या रही है? पर ये किए बिना मॉर्निंग गुड कैसे होगी? क्या वो अंदर नॉवल लिख रही है? एक मिनट रुको, मैं जानती हूँ सब जल्दी जल्दी कैसे होगा। हाँ, ये क्या हो रहा है? अब उसे सबक मिलेगा। ये बहुत बुरा था, पर मैं जानती हूँ चीजें कैसे बदलेंगी।
बस हमें गिज़्मो से मदद चाहिए। इसे टॉयलेट बोल के ऊपर लगा देंगे, ढक्कन बंद करेंगे और ये देखो लाइट आ गई। अब जिस कलर की चाहे उस कलर की, जैसे खुद का पर्सनल लाइट शो हो। आह, अब बेहतर है, अब मैं यहाँ रह सकती हूँ। बाय बाय, काफी अलग लग रहा है। लाइट जल गई, ये तो बढ़िया है क्योंकि मैं प्रैंक सेटअप करने वाली हूँ। अगर कोई इसे देखे तो कैसा लगेगा? और स्मेल भी आनी चाहिए, कितनी ताजी है। अगर आपको उसकी स्मेल पसंद आती हो तो। टाइम हो ही गया। अरे यार, तुमने यहाँ क्या किया है? फिर बहुत बुरा है। ये कैसा मजाक है, ये नहीं हो सकता। अब बेहतर है, अब मुझे थोड़ा काम करना होगा, पर मैं कम से कम मेहनत करूंगी क्योंकि सफाई तो यही कर देगा। ये कलर्स कितने मजेदार लग रहे हैं ना, इसे साफ हो जाना चाहिए और स्क्रबिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो। डरावनी से स्पॉन्ज और उसमें फोमिंग एजेंट भी डाल देते हैं, बहुत सारा। ये हुई ना बात, उम्मीद है इतना काफी हो। अब इसे फ्लश कर देते हैं। बाय बाय गंदी पूप, मैं तुम्हें मिस नहीं करूंगी। वाह देखो, बिल्कुल साफ हो गया और खुशबू भी अच्छी है। अब मेरी बारी। ऐसा लग रहा है मैं बर्फ के ऊपर बैठ गई हूँ। मैं इसका कुछ कर सकती हूँ, ट्राई कर लेते हैं। इस तरह मेरी स्किन सीट पर नहीं लगेगी। अभी भी ठंडा है, पता चल रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। पर मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, मेरा पॉपिट। चलो आ जाओ दोस्तों, अपना जादू करो। तुम इस सीट पर बैठ जाओ ताकि मुझे ना बैठना पड़े, इससे ये बैरियर बना देंगे। बस आखिरी है, कमाल कर दिया ना, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। चलो अब ट्राई करते हैं। हाँ, कितना कोजी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कहा था ना, इससे एक आइडिया आया। हाँ, हम एक और चीज कर सकते हैं। हे, जरा इसे थोड़ा गर्म कर ले, परफेक्ट। तो चलो, क्या ये चॉकलेट है या फिर पूप? लोगों को तो यही लगेगा। अब तुम आ सकती हो। हे भगवान, आखिरकार क्या ये? देखो, तुम इसके ऊपर बैठ सकती हो। सच में काफी कूल लग रहा है, मैं आ रही हूँ। ये मैंने किस पर पैर रख दिया? इससे परफेक्ट और क्या होगा। कितना अच्छा बदला था, मैं नहीं हिल सकती। मुझे उल्टी आ रही है, मुझे ये हटाओ। ठीक है, शांत रहना होगा, ये बहुत बुरी है। हमें जल्दी से नहाना होगा और पानी नहीं है, इससे बुरा और क्या होगा। मैं अपना पैर किससे धोऊं? लगता है ये काम आएगा। तो चलो, अब मेरा पैर साफ हो जाएगा, बस इसे फोम से भरकर पैर डाल देंगे। हे, थोड़ी गुदगुदी सी हुई पर अच्छा लग रहा है, क्या फुट मसाज है। अब चलो इस बूट में ये साफ कर लेते हैं। आखिरकार अब ये बिल्कुल साफ हो गया, मैं सनी को भेजूंगी, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, टेक्स्ट, उसका पैर साफ भी हो गया, यहाँ क्या हो रहा है? ओह, तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकती, बाल धोना चाहोगी, अब धोने पड़ेंगे। गंदा, मुझे अकेला छोड़ दो, बहुत गंदा लग रहा है। अरे वाह, शैम्पू करके मजा आ गया, अब मुझे स्टाइलिंग करनी है। अच्छा लग रहा है, बस ज्यादा समय ना लगे। हाँ, होने ही वाला है। हे, अच्छी लग रही हूँ और तैयार हूँ, सब कहाँ है?
ये क्या हुआ? मैंने अभी अपने बाल बनाए थे। ओह, सीधा निशाने पर लगा। तुम्हें मजाक लग रहा है? मेरे बाल दोबारा गीले हो गए। तो अगली बार ये पहन लेना। एव, प्लास्टिक। वैसे मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। बस बालों को इसके अंदर डालना है, इसे सर के ऊपर लगाना है और पीछे की तरफ बांध लेंगे। जरा सा होल करेंगे ताकि मैं इसमें ब्लो ड्रायर फिट कर सकूं। यहाँ से हीट आएगी। जैसे मैं सलून होकर आई हूँ। तुम पागल हो? खैर, तुम खुद ही देख लो, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं हैरान हूँ। हमें चलना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। आज हमें बहुत काम है। ये खुल क्यों नहीं रहा? हमने खुद को अंदर बंद कर लिया। विश्वास नहीं होता। तो हम बाथरूम में ही रहने वाले हैं। पहले मैं यहाँ आने के लिए जल्दी में थी और अब मुझे भूख लगी है। यहाँ कुछ खाने लायक है? शायद मेरे पास कुछ स्नैक्स हो। हाँ, तुम सबसे अच्छी हो। ये पकड़ो। हे, इसे खाना बहुत मुश्किल है। आज मुझसे कुछ नहीं हो रहा। ओह, मैं ही ठीक कर सकती हूँ। लो, इसे फ्लोटिंग ट्रे की तरह पहनो और यहाँ पर आएगी ड्रिंक। बॉन अपेटिट। ये वाली बाइट परफेक्ट है या ये वाली? देखा? और मुझे कुछ मीठा खाना है। और अगर थीम के हिसाब से चले तो मैं टॉयलेट से खाऊंगी। खैर, ये तो कैंडी से भरा हुआ है। मजा आ गया। ओह, गर्ल्स, तुम अंदर हो? हाँ, ये डैड हैं। उन्हें खटकाने दो, मुझे भी चलेगा। यहाँ इतना भी बुरा नहीं है। ड्राइंग बस हो ही गई। ये पेन खराब है। हाँ, इसे लिख कर कर देखो। अभी भी काम नहीं कर रहा, मुझे गुस्सा रहा है। बकवास पेन, मुझे अपनी ड्राइंग फिनिश करनी थी। ध्यान से बच्चे। चलो पिंक वाला ट्राई करें। ये भी नहीं चल रहा। अभी मुझे लग जाता। बहुत हुआ। क्या है? मैं ड्राइंग खत्म नहीं कर पा रही, पेन काम नहीं कर रहे। ये तो परेशानी की बात है। शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं समझ गई, मम्मी सब ठीक कर देंगी। जल्दी एक क्लेंजिंग वाइप ले और उसे मोड़ दे। अब एक टेप की स्ट्रिप पर इस वाइप को लगाएं और कॉटन स्वाब को वाइप के ऊपर लगाएं और रोल कर दें। कॉटन स्वाब को थोड़ा ढीला छोड़ दें। अब इसे टेप पर लगाएं और काट दें। अब इस स्वाब के ऊपर कलर्ड इंक डालें। क्लेंजिंग वाइप इंक एब्जॉर्ब कर लेगी। एकदम आसानी से बन गया। ये लो स्वीटी। वाह, मैं दोबारा ड्रॉ कर सकती हूँ। थैंक्स मॉम, ये बहुत अच्छा है। अब मैं सन बनाऊंगी। शानदार मेरी बच्ची। बहुत मजा आ रहा है। ये बाग खूबसूरत है ना? अरे वाह! हे, कूल! ओह, हाय! ए वाह! देखो मैं कितनी ऊपर हूँ। एक सेकंड में नीचे उतरो। नहीं, वो कभी नहीं सुनती। ओ एवा, मिस्टर बनेनास, मैं आ रही हूँ। आउच, मेरे कांटा चुभ गया। इसीलिए पेड़ों पर चढ़ने के लिए मना किया जाता है। पर अगर मैंने कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं की तो मैं किस तरह की मॉम हुई? ट्वीजर्स नहीं है? कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा टक हो गया। देखो, आप जादूगर हो मॉम। थैंक्स, फिर मिलेंगे। हे एवा, अब
खूबसूरत दिन के बारे में बात करते हैं। हाँ, और मैंने अपने टू डू लिस्ट का सारा काम कर लिया है, मुझे ए प्लस मिलता है और वो बिल्कुल भी पूरा नहीं होता। हे भगवान, मुझे पता था कि पेपर एक बुरा आइडिया है। ओह, मेरे ऑरेंजेस, यहाँ वापस आओ। अरे रुक जाओ, आखिरकार लगता है ये आखिरी थे। ये आम्स काफी फायदेमंद है, क्यों ना आपके लिए एक एक्स्ट्रा पेयर बनाया जाए। फुट को इसके ऊपर टक कर दे और आर्म्स को एक साथ टाई कर दे, काफी फायदेमंद है ना। अब ये सामान टिका रहेगा। जीनियस। वैसे मुझे एक बैग कैरी करना चाहिए था। ओह, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। बाल ठीक है, लेकिन सांसों पर थोड़ा काम करना होगा। चलो भी, मुझे पता है इसमें थोड़ी सी बची हुई है। आ जाओ बाहर। लगभग। यस, ये आ गई। हो रहा है, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। नई टूथपेस्ट, पहले क्यों नहीं सोचा। एकदम शानदार। अभी से ही मेंटली फ्रेश फील कर रही हूँ। अब साफ हो गए, मुश्किल टल गई। मैं समय पर वहाँ कैसे पहुँचूंगी। मॉर्निंग टाइम, बस मुझे ब्रश करना है और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अरे, ये तो एक नई ट्यूब है। वाह, आज का दिन तो पक्का बढ़िया होने वाला है। लगता है इतनी काफी होगी। ये तो मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है। कौन जानता था कि इसमें इतनी सारी होगी। ये मिंट का एक्सप्लोजन है। अरे, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर टूथपेस्ट ट्यूब ने उल्टी की है? ये मुझे दो। दांतों को इस तरह से ब्रश नहीं करते। बोरिंग ब्रश को भूल जाओ और उसकी जगह अपनी स्पेशल ट्रे यूज करो। देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे कैसे यूज करते हैं। और अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारी टूथपेस्ट है। अब बस एक काम बाकी है, अपने मुँह में डालू। ये कितना आसान है, बढ़िया हो रहा है। देखो मॉम, हाथों का कोई यूज नहीं। वो अगर मेरे भी बाल ऐसे कर्ल हो जाए तो ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक, दो, तीन, चार। अभी भी बिल्कुल सीधे है। मैं सभी स्ट्रैंड्स को एक बार में करूंगी। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, मैं इसे होल्ड करने के लिए इलास्टिक का इस्तेमाल करूंगी। ये पक्का काम करेगा और ब्रेड से भी काम हो जाना चाहिए। ये काफी टाइटली पकड़ लेंगे। इतना क्यूट नहीं है, पर जो भी हो। मुझे ये एक मैगजीन वाले खूबसूरत बाल कभी नहीं मिलेंगे। रो क्यों रही हो एनी? मैं इसकी तरह खूबसूरत बनना चाहती हूँ। कर्लिंग करना मेरे बस की बात तो नहीं है, पर लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ। पर पहले हमें तुम्हारे बालों को स्मूथ करना होगा और फिर इसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं और फिर वैसे। नहीं, ये वापस से उग जाएंगे। एक मिनट रुको। आइडिया, मुझे पता है। पहले एक स्ट्रैंड को पानी से स्प्रे करते हैं, फिर ब्रश के हैंडल को कर्लर की तरह यूज करें। इसे बिल्कुल ऊपर तक ले जाएं। ओह, हेलो कर्ल्स। हॉट कर्लिंग आयरन की जरूरत किसे है? और हीट से बालों के खराब होने का खतरा भी नहीं। शुक्रिया डैड। मुझे खुशी है कि मैंने रास्ता ढूंढ लिया। कितनी शांति मिली है। मेरा कैसल लगभग तैयार है, बस फाइनल पीसेस लगाने हैं। पर एक चीज मिसिंग है, एक फैमिली जिसके साथ मैं ये शेयर कर पाऊँ। मुझे बस वही चाहिए, शायद मेरा सपना पूरा हो जाए। हे, तुम क्या चाहते हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या, अभी तो बस शुरुआत है। कोई मुझे बचाओ। हे बड़ी, उसे सबक सिखाते हैं हनी। आओ, बहुत जोर से लगा। शुक्रिया। रुको, ये क्या हो रहा है? सब ठीक है। वाह, ये तो कमाल है, अब मेरा एक परिवार है। अब मैं विश मांगती हूँ, उम्मीद है पूरी हो जाए। हैप्पी बर्थडे स्वीटी, चलो पार्टी करें। प्लीज ये मत करो। ये नेगेटिव है, हमारी फैमिली कभी पूरी हो भी पाएगी? मुझे हमेशा से ये चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो। हाँ, ये क्या है? खोलो इसे। ये नहीं हो सकता,
सच में? नॉक नॉक, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दरवाजा खोलो। हाय, शायद आप मेरी मॉम हो? अंदर आ जाओ, घर में तुम्हारा स्वागत है। ओह, आप तो अच्छी हो। मैं बोर हो रही हूँ, यहाँ कुछ तो मजेदार होगा। बस बहुत हुआ। क्या हो गया डियर? मेरे टॉयज बहुत बेकार हैं। ऐसी बात नहीं है, जरा ये क्यूट टेडीज को देखो, बहुत प्यारे हैं। ये सॉफ्ट और कडली तो लगते हैं। देखा, है ना मजेदार। मैंने मन बदल लिया। ओह, ये ज्यादा नहीं चला, मैं कुछ सोचती हूँ। आहा, मुझे पकड़ कर दिखाओ। मैं आपके पीछे, मैं बहुत तेज हूँ। रुको, तुम बहुत स्लो हो, मुझे नहीं पकड़ पाओगी। ऐसा आपको लगता है? आउच, मेरा पैर। अरे यार, मैंने ऐसी जुबान कहीं नहीं देखी। ये क्या, ये कहाँ से आया? ऐसा दोबारा मत कहना, बकवास गेम थी। क्या कर रहे हो तुम? पेंट क्यों नहीं करती? एक मास्टरपीस बना डालो। समझ नहीं आ रहा, मुझे ब्रश नहीं चाहिए। चलो निकलो, मैं ये हाथ से ही कर लेती हूँ। मैं इससे आर्ट बना सकती हूँ। जरा ये देखो, एक हैप्पी फेस बनाएंगे। तो कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। ओह, ये बढ़िया लग रहा है। सोचना भी मत। आप कभी मस्ती नहीं करने देती, आप बुरी हो। अब मैं क्या करूं? ओह, समझ गई। मुझे एक मफिन ट्रिक चाहिए। इसमें दही डालेंगे, अब इसमें फूड कलरिंग डालेंगे और साथ में मिक्स कर लेंगे। इसके लिए पॉप्सिकल स्टिक काम आएगी। बिल्कुल पेंट जैसा लग रहा है। ऐसे ही अलग अलग कलर से भर लेंगे। ये क्या है? ये खास पेंट है। ओह, मजेदार लगता है। तो शुरू करते हैं। पहले ग्रीन कलर लेंगे। मैं खुद को नहीं रोक सकती। यम्मी। कोई बात नहीं, शुक्रिया मॉम। मैं बहुत लकी हूँ। ये मास्टरपीस है। आपको कैसा लगा? जितना अच्छा दिखता है उतना ही अच्छा स्वाद है। टेस्टी। तुम बहुत टैलेंटेड हो। वाह, स्वादिष्ट है। ये बढ़िया है, मुझे भूख भी लग गई। हेलो स्वीटी। मम्मी, वो देखो। हाँ? क्या बात कर रही हो? मैंने ये आपके लिए बनाया। क्या, ये क्या है? ये तो बहुत सारे हैं। ये मजाक नहीं है, इसे हटाना होगा। आपको आर्ट पसंद नहीं है क्या? हाँ? ये दोबारा मत करना, मैं सच कह रही हूँ। सब बुरे हैं। कम से कम मेरा पॉप्सिकल मुझे निराश नहीं करेगा। ऐसे मत करो। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं पॉप्सिकल स्टिक इस्तेमाल कर सकती हूँ। एक सेकंड दो, इसका मेकओवर करेंगे। हमें पेंट और ब्रश चाहिए। रेड पेंट से शुरू करेंगे, पॉप्सिकल स्टिक को इससे कवर कर देंगे। मैंने और भी स्टिक्स को पेंट किया है, इसे बाकियों के साथ रख देंगे। अब मुझे गोल कार्ड चाहिए, इस पर पॉप्सिकल स्टिक्स चिपका देंगे। एक और चाहिए, ऐसा व्हील बनाएंगे, बाहर की तरफ और भी लगा देंगे। अब एक वुडन रॉड चाहिए, इसे बीच में लगाएंगे, इसके अंदर डालेंगे और एक और व्हील लगा देंगे। इसे रॉड के दूसरी साइड पर लगाएंगे, इसे एक तरफ रखेंगे और ब्लू पॉप्सिकल स्टिक्स को साथ में जोड़ देंगे, एक के ऊपर एक रखकर। हमें ऐसा ट्रायंगल बनाना है, ये इसका स्टैंड होगा। अब बेस की बारी, इन्हें साथ में जोड़ देंगे। अब ऊपर व्हील लगा देंगे और कार्ड पर पिक्चर्स चिपका देंगे, इन्हें व्हील पर टांग देंगे। ये फेरिस व्हील फोटो फ्रेम है, ये परफेक्ट है। स्वीटी, ये आपने बनाया? वाओ, जरा इसे देखो, पूरा ज्ञान यही है। शुक्रिया मॉम। मुझे खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। पसंद क्या, इससे प्यार हो गया। मॉम, मॉम, आप कुछ कूल देखना चाहोगे? क्या कर रही हो? मैं जादू करने की कोशिश कर रही थी। अब मैं आपको कर दिखाती हूँ, मैं आपको हैरान कर दूंगी। वो एक स्पॉटलाइट, मैं स्टार हूँ। हाँ, ये क्या हो रहा है? हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। ये एक आम कपड़ा है, इसे हाथ में पकड़ लेंगे, सब बिल्कुल नॉर्मल है और ये गायब हो गया, जादू। विश्वास ही नहीं हो रहा। ब्रावो स्वीटी, आपने बहुत शांति से ये देखा। बहुत सफाई करनी है। मॉम, यहाँ देखो।
मैं घबरा गई थी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। आराम से, आराम से। अब क्या करें? मैं जगल कर सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है। ध्यान से। ये शो का ही पार्ट है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं चल सकता। जरा रुको। अगर मैं, हाँ ये शायद काम करे। इन वासेस को हटाएंगे, मुझे एक टेबल क्लॉथ चाहिए। चलो काम पर लग जाए। इसे यहाँ पर लगाते हैं और व्हाइट क्लॉथ भी लेंगे। इसे फ्रेम के आसपास लपेटेंगे। हमें थोड़ी पिलोस चाहिए, इसे कोजी हो जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ वाओ, ये मेरे लिए है। आओ बैठो। वाओ, ये तो सर्कस टेंट जैसा है। लाइट्स, कमाल है। हे मॉम, आपको ये देखना चाहिए, मेरा थंब देखो। ये गायब हो गया। रुको, बढ़िया है ना मेरी प्यारी बच्ची। वाह, उन्होंने मान भी लिया। मैजिकल यूनिकॉर्न लॉलीपॉप प्लांट पर आई। अब वो क्या क्या देखेगी? कितनी अच्छी स्टोरी है, मुझे नींद आ रही है। और फिर ओ, वो सो गई। आराम से लेट जाओ। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। हाँ, ये क्या था? ये ठीक नहीं लगा। हेलो, क्या कोई है? कैसी हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बहुत डरावना था, वो वहाँ पर था। तुम्हें बुरा सपना आ रहा था? यहाँ कोई नहीं है। ये क्या है? इससे मुझे एक आइडिया आया, मैं अभी आती हूँ। मैंने 3D पेन से कैरोसल बना लिया है और मेरे पास ये कलरफुल मॉडलिंग क्ले है। क्ले को कैरोसल में रखेंगे, इसे प्रेस कर देंगे, गैप्स को फिल कर लेंगे, अब कलर्स बदल देंगे। इस पूरे पर ऐसे ही करते जाएंगे। ये मजेदार है, ये बहुत ही ब्राइट और वाइब्रेंट होना चाहिए। बस हो ही गया, बस ये स्टार बाकी है। लो, इतना काफी है, अच्छा लग रहा है। इसे यहाँ रख देते हैं। क्या ये कैरोसल है? ये किस लिए होता है? इंतजार करो, लाइट्स बंद करो। वाओ, ये तो नाइट लाइट है, मुझे यही तो चाहिए थी। अब सो जाओ, सुबह मिलते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत हुआ, मैं एयर कंडीशनर ऑन कर रही हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे अभी भी बहुत गर्मी लग रही है, मुझे फैन चाहिए। वो ये क्या है? शरम, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो पूरी जली हुई लग रही हो। हे भगवान, तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए। लगता है तुम्हें बहुत दर्द हो रही है। लाओ, मैं तुम्हें ठंडक देने की कोशिश करती हूँ। नहीं ऐसी, ये काम नहीं कर रहा। क्या ये थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा? रखो, मैं अभी वापस आई। यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ होगा जिससे मैं शरल की मदद कर सकती हूँ। ये आइस का बैग काम आएगा। शरल, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बर्फ लाई हूँ, ये तुम्हें ठंडा करने में मदद करेगी। ऐसी, मैंने तुमसे कहा था कुछ भी काम नहीं करेगा। खैर ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। शायद मुझे शेरल को ही फ्रिज में डालना होगा। बिल्कुल नहीं। खैर, उसके बैग में ये बीच वाला टॉवल पड़ा है। रखो, आइडिया मिल गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मुझे इस मुड़े हुए टॉवल में थोड़ा पानी डालना होगा। हो गया, अब क्योंकि ये गीला है तो मैं इसे फ्रीजर में डाल सकती हूँ। और अब मुझे इसे एसी में रखना होगा। खैर जम जाओ, बहुत देर हो चुकी है, चलो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये रहा हमारा फ्रोजन टॉवल, लेकिन अभी ये इतना भी अच्छे से नहीं जमा। परफेक्ट, मैं वापस आ गई और इस बार मैं तुम्हारे लिए बेहतर चीज लेकर आई हूँ। अब बस मुझे इस टॉवल को खोलना है। मैं इसे इस तरह तुम्हारे चारों ओर लपेट देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा और ठंडा लग रहा है। और अब तुम बहुत अच्छा फील कर रही हो, है ना? शुक्रिया दोस्त। और बिल्कुल, मैंने अपने लिए भी एक बना लिया है क्योंकि मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ये रहे तुम्हारे स्वादिष्ट नूडल्स हनी, याद रहे तुम्हें सारा खाना है। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं डैड। तैयार हो डॉली? वाओ, तुम बहुत अच्छी डांसर हो, काश मैं भी ऐसा कर पाती। तुम्हें अभी तक चक्कर क्यों नहीं आए? मुझे लगता है इतना बहुत है, तुम्हें देखकर मुझे भूख लग गई। यम्मी, ये बहुत अच्छे नूडल्स हैं। ठीक है डॉली, करते रहो, स्पिन करना मत रोकना।
फिर आखिरकार घर आ गई। सॉकर का गेम बढ़िया रहा। मुझे आराम करना है, मुझे इन जूतों को उतारने का इंतजार नहीं होता। बहुत अच्छा लग रहा है, अब सोने का समय है। रुको, क्या ये चीज है? ये बहुत गंदी बदबू है। मुझे लगता है मैंने कल्प्रिट ढूंढ लिया। हमें इन्हें उतारना होगा। मैं नहीं चाहता मॉम ये देखे। ओ, चलो भी, क्या तुम मजाक कर रही हो? एक बग? मैंने तुम्हें कहा था कोई पेट्स नहीं। ये उससे भी ज्यादा गंदा है, ये बेहुदा है। कैसे? वैसे मैं नहीं जानना चाहता, मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। तुम मेरे साथ आ रही हो, मैं इस सॉक को सोप से भरूंगा। मैं ध्यान रखूंगा कि बेटी के पैर इसे अच्छे से कवर हो जाए। फिर मैं ये रबर बूट का इस्तेमाल करके इसे साफ करूंगा। उम्मीद है पानी अच्छा और गर्म हो, ये काम करना चाहिए। और अब समय है वापस बेड पर जाने का। अब और कोई गंदगी नहीं, ये शानदार है। मैं ध्यान रखूंगा बेटी आराम से सोए, अब बेहतर है। अच्छे से सोना हनी। क्या दिन है, चलो यहाँ से निकलते हैं। उस जाइंट को उठाना मत, ये प्ले टाइम है, चलो करते हैं। नहीं वो मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, बस मुझे मेरा काम करने दो। देखो वाहो, हमने कर दिखाया, इसे वापस रख दो बेस्टी। ये बढ़िया है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे गिराना मत। वाओ, रूम घूम रहा है, ऊपर चलते हैं। हमें नहीं करना चाहिए। क्या हमें? चलो भी मजा आएगा। बेटी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। मुझे लगता है उसको मेकओवर की जरूरत है, इससे उसे स्पार्कल होने में मदद मिलेगी। हमारा काम पूरा हुआ, चलो भी अभी और मजे करने हैं। मैं ये हमेशा से करना चाहती थी, कस के पकड़ो, इससे तुम्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। रुको, ये तुम मुझे अब बता रही हो? हे भगवान, ये बढ़िया है। वोहो, और तेज और तेज। चलो भी, तुमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी। मैं गिरने वाली हूँ और मुझे मजा आएगा, काश ये रात खत्म ना हो। हमें बेड पर वापस जाना चाहिए, मैं बहुत थक गई। मैं इतनी भी जवान नहीं रही, याद है जब हमने पूरी रात पार्टी की थी? हाँ, बढ़िया दिन थे। हाँ, सुबह हो गई है, मुझे अजीब सपने आए थे। मैंने सोचा था मेरी डॉल जिंदा है। रुको, क्या रात को क्या हुआ था? वो सपना था, है ना? हाँ जरूर वो था। अच्छा होगा मैं इसे साफ कर लूं। जाओ जाओ, नहीं बॉल मत पास करो, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? हे डैड, चलो खेलें। अभी नहीं स्वीटी, अभी बहुत बड़ी गेम चल रही है, हम कभी नहीं खेलते। क्या तुमने वेदर देखा है? तुम बाहर नहीं जा सकती, बाहर स्टॉर्म है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे खेलना था। माफ करना किडो, शायद किसी और दिन। मैंने गोल मिस कर दिया। डैड मुझसे ज्यादा स्पोर्ट्स को टाइम देते हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे लगता है मुझे फिर से दीवार के साथ खेलना होगा। ओह बढ़िया कैच थी, ये देखो डैड, बेटी ने शूट किया और मिस हो गया। देखो ट्रिक शॉट, ये कैसे हो रहा है? पास, बॉल पास करो। नहीं, ओह उन्हें जरूर लगी होगी। क्या हुआ है? मुझे याद है कुछ हवा में उड़ के आया और ब्लामो। रुको, इन गंदगी को देखो, मुझे विश्वास नहीं होता। बेटी क्या ये तुमने किया है? तुम्हारी मॉम बहुत गुस्सा होने वाली है। बेटी यहाँ नहीं है। ओह अगली बार बाहर खेलना। बाहर अभी भी वैसा ही मौसम है, पर कोई बात नहीं, तुम ये अम्ब्रेला इस्तेमाल कर सकती हो। शायद नहीं, इसे कूड़े में होना चाहिए। रुको, मेरे पास बढ़िया आइडिया है, उधर ही रहो। मुझे थोड़ी मॉडिफिकेशंस करनी होगी। सिजर्स, ओह ठीक है ये लो, गुड लक, उम्मीद है ये काम करे। टेप स्टार्ट, ला रही हूँ डैड, ये लो, मुझे लगता है इससे काम बन जाएगा। वाओ ये शानदार है, चलो ट्राई करें। ओह बढ़िया लग रहा है, हमने मैचिंग की है। खेलने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, चलो करें। ये मुश्किल है, तुम बढ़िया कर रहे हो। थैंक्स। करते रहो। और कितना समय लगेगा? ये देखो, तुम्हें पसंद है? अभी मुझे बर्गर खाना है।
मेरा हो गया, काफी मेहनत की। मैं दोबारा एक्सरसाइज नहीं करूंगी। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। मुझे फ्रेश होना है और मुझे पानी चाहिए। हाँ, मैं फंस गई। क्या ये कोई लेटेस्ट स्टाइल है? मैं इसे कैसे हटाऊं? कम से कम तुम्हारे पास हमेशा बैठने की जगह होगी। ये पनी नहीं है, है बात मानो। रुको, मुझे भी डिओड्रेंट चाहिए। पहले मुझे इस चेयर से उठना होगा। मुझे जाने दो, मैं फ्री हो गई। ये मुझे दो। तुम प्लीज कह सकती थी। जो भी हो, मैं ये डिओड्रेंट अपने लातों पर स्प्रे करूंगी। अब ये कुर्सी से चिपकेंगे नहीं। हाँ चलो ट्राई करें। अभी तक तो सब ठीक है, काम किया। मैं जीनियस हूँ। हाँ अब चलो लंच करें। ओ, तुम ठीक कह रहे हो, ये पानी है। बचाओ, मेरी चप्पल में मिट्टी है, ये बहुत तंग कर रही है। बहुत हुआ, मैं उतार रही हूँ, साथ ही ले जाती हूँ। इसमें तो मजा आने वाला था ना, गुस्सा आ रहा है। वो उसने अपने सैंडल्स के साथ क्या किया है, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। ये पार्टी बहुत मजेदार है। एक सेकंड, मुझे बस ड्रिंक चाहिए। हे, तुम्हें भी चाहिए? ओह, बहुत हवा चल रही है, स्कॉट उड़ी जा रहे हैं। अरे नहीं, खाना, यहाँ बहुत हवा है। चलो चले। रुको, मत जाओ, मेरे पास एक हल है, पक्का। उसे मौका दे देते हैं। अब मैं क्या करूँ, ये सब चले जाएंगे, मैं कुछ तो कर सकता हूँ। चलो भी कुछ सोचो, समय बीतता जा रहा है। रुको, क्या वो मफिन पैन है? ये पक्का काम करेगा। हे, मैं वापस आ गया। और ये रही पार्टी ट्रेज। देखा, अब हवा से कुछ भी नहीं उड़ेगा। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज हो, तुमने पार्टी बचा ली। बीच टाइम, चलो चले, पकड़ो। तुम बहुत अच्छे से भाग रहे हो और बॉल चालो। बीच वाली सेल्फी। आह, बहुत तेज धूप है। ओह, सब बहुत दुख रहा है। मुझे मत छुओ। मुझे भी सनबर्न हुआ है, अब हम क्या करें? रुको, मुझे पता है क्या करना है। हमारे पास एलोवेरा प्लांट है, हम उससे अपना सनबर्न ठीक कर सकते हैं। मैं चाकू से इसे बीज से काट दूंगा। अरे वाह, इतना सारा एलो जेल। चम्मच से इसे इकट्ठा कर लेते हैं। बढ़िया, बिल्कुल इसी तरह। अब इसे ब्लेंडर में डालेंगे, ढक्कन लगा दो, अब इसे ब्लेंड करो। हो गया, ज्यादा नहीं करना, ये लिक्विड ही है, तो अब हम इसे क्यूब ट्रे में डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक और स्टेप है, इसे फ्रीज करना है। एलो आइस क्यूब्स तैयार है। हाँ देखो, इधर देखो, ये काफी कूलिंग और हीलिंग है। एलो इसीलिए होता है। देखो मेरी त्वचा अभी से कितनी बेहतर है। अरे वाह, मुझे भी दो, हमारे पास पूरी ट्रे है, तुम लो ना। हे मेरे भगवान, समर कैंपिंग बहुत मजेदार होती है, खासकर जब हम साथ में पिकनिक भी करें। कुछ पी लेते हैं। ओह, मुझे ऐसी जगहों पे बहुत अच्छी नींद आती है। ओह, ये मुझसे आ रही है, बहुत बुरी बदबू।
है, ये मदद करेगा। मैं इस पानी से भरे थैले को इस पर टांग देता हूँ। इसमें थोड़े छेद और थोड़ा शैम्पू। ये एक बढ़िया आउटडोर शावर है। ये वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, काफी साफ सुथरे हो गए हो। ये लो, कोक के मजे लो। इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।